लेकिन निशान रह जाते हैं। मैं वो सारे निशान अपने प्यार से मिटा दूंगी। रहा साथी मेरे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान। जीना जीना मेरा जीना, यहां तेरे लिए जिंदगी लुटाऊं। तू जो नहीं, क्या है यहां? मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? कल मिलते हैं। अरे कल तो बहुत दूर है भाई। कल का इंतजार करना सीखो। कल परसों नहीं आएगा, कल ही आएगा। बाय। रीता। हाँ? कल तक के इंतजार के लिए एक मीठी याद तो दे दी जाओ। कहाँ से आ रही हो? बाहर से। किसके साथ थी? जिमी के साथ थी। तुम्हें अपने भाई के दुश्मन के साथ घूमते फिरते शर्म नहीं आती? ओ कम ऑन डैड, नंबर एक तो ये है, अगर शर्म आती तो उसके साथ जाती क्यों? और नंबर दो, वो सैम का दुश्मन नहीं, वो सैम से सुपीरियर डिस्को डांसर है। एंड यू नो आई एम अ लवर ऑफ डिस्को म्यूजिक, ही इज फैंटास्टिक। कभी आप उसे सुनिए तो, देखिए तो, ओह ही इज अ ड्रीम। शरीफ घर की लड़कियां अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर ख्वाब तक नहीं देखती, जानती हो? वो तुम्हें एक सीढ़ी बनाकर मेरी इज्जत मेरी दौलत में शरीक होना चाहता है, किसी बेनाम बेखानदान लावारिस लड़के के साथ जो गंदी नाली और झोपड़ी में पला हो। मुझे मेरी बेटी का मिलना जुलना कतई पसंद नहीं, समझी? अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रो जाओ। और एक बात और सुन लो, आज के बाद तुम किसी जिमी में जैसे लोगों से नहीं मिलोगी, समझी? गेट आउट। हेलो जिमी। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। लेकिन क्यों बेटा? माने अपने हाथों से खाना बनाया। नहीं आ सकती। तुम आ नहीं सकती या आना नहीं चाहती? जिमी, मेरे डैडी ये नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यस जिमी, आई लव यू।
फिर तैयार रहो, मैं आ रहा हूं। रीता कहां है? तुम्हारी मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब लंबा है। अरे जब मैंने जीने की हिम्मत कर ली तो यहां आने में रखा गया है। ये तो एक बुजदिल आदमी का घर है। कहां जा रहे हो? इस घर में एक बेरहम बाप ने उसकी बेटी को छुपा कर रखा है जो मुझसे प्रेम करती है। उसी को लेने आया हूं। उसे मैं प्रेम करता हूं और शादी भी करने वाला हूं। वक्त हो तो आशीर्वाद के लिए आ जाइएगा। आप रीता के पिता हैं, मैं आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। आओ रीता। रीता, तुम इस घर से नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, ये अब मेरा घर नहीं, कैदखाना है। हेलो हेलो, पुलिस कमिश्नर। बात दरअसल ये है मिस्टर जिम्मी कि मुझे अभी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ, सर जी ने वो फोन मेरे सामने किया था। जी प्लीज ऑफिसर, टैडी को इतना कानून बता दीजिएगा कि बालिक लड़कियां भगाई नहीं जाती, वो खुद जाती हैं किसी के साथ अपनी मर्जी से। बाय द वे, अगले सोमवार हमारी मंगनी हो रही है, आप जरूर आइएगा अपने बाल बच्चों के साथ। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर जिम्मी। नो प्रॉब्लम। तो खुश है ना वहां? आप विजय महल के शेयर की नीलामी होगी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख 1, 6 लाख 2, 7 लाख। ये हरामजादा मुझे मेरे बिजनेस में नीचे दिखाना चाहता है। आइए आइए जिम्मी साहब, बैठिए ना। आठ लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 50 लाख 55 60 लाख 65 70 लाख आप ले लीजिए। यू टेक इट। 70 लाख 1, 70 लाख 2, 70 लाख 3। ये क्या किया सेठ जी, 10 लाख का माल 70 लाख में खरीद लिया, यू तो आप बिक जाओगे। जी हाँ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम सड़कों पर नंगे पैर चलो, इसीलिए तो बोली देने आया था। बास्टर्ड। Thank you.